खड़ा हूँ आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है। Hey, what's up? My name is Shivam and you're watching The Perfect Fifth. हम फिर आ गए एक नई वीडियो के साथ और आज मैं दिखाऊंगा आपको कि हाउ आई मिक्स छूलो बाय लोकल ट्रेन। तो ये जो गाना है ये हमने अपने प्रोडक्शन एंड अरेंजमेंट ट्यूटोरियल के लिए बनाया था और उसी का ये सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ कि इसको कैसे मैंने मिक्स किया है। खड़ा हूँ आज भी वही कि दिल फिर बेकरार है। खड़ा हूँ आज भी वही कि तेरा इंतजार है। छूलो जो मुझे तुम कभी, खो ना जाऊं मैं रात दिन। तो ड्रम मिक्स करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि पूरा ड्रम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ना कि उसकी किक, उसका स्नेर एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट। तो वो एक एज अ होल कैसा साउंड करे उस पर ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। तो इस ड्रम्स को मिक्स करते समय सबसे पहले जो मेरे दिमाग में बात आई थी कि गाना मोनोटोनस ना हो जाए, तो उसके डायनेमिक्स और मूवमेंट्स बने रहे, तो मतलब ग्रूव ही चलता रहे और ऐसा ना लगे कि एक ही ग्रूव पूरे गाने में डाल रखा। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके ग्रूव में, बट फिर भी। तो वो मैंने कैसे अचीव करा है वो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जब नॉर्मल गाना चलता है तो स्नेयर्स पे ध्यान दीजिएगा। और जब ये गाना हाईस अपने एंड सेक्शन में पहुंचता है तो यहाँ पे स्नेर, तो ऐसे इसमें हमने मूवमेंट अचीव करी है और ताकि वो एक मोनोटोनस ना लगे, डायनेमिक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि किक में क्या करा है मैंने। तो किक के अंदर EQ, हाईज बूस्ट करे हैं 8K, लगभग 2 dB के आसपास, 1.7 dB, और 260 हर्ट्ज के आसपास, लगभग 3.2 dB। उसके साथ CLA ड्रम्स के अंदर थोड़ा सा सब ऐड करा है बेस, थोड़ा सा ट्रबल ऐड करा है। तो चलिए देखते हैं किक की, मैंने किक में क्या करा है। तो किक के अंदर हाईज ऐड कर रहे हैं 8K के आसपास, 1.7 dB, और 264 हर्ट्ज के आसपास, लगभग 3.2 dB के आसपास। उसके साथ CLA ड्रम्स में सब ऐड करा है, थोड़ा सा और ट्रबल ऐड करा है, और उसके साथ कंप्रेस करा है। और ये जो सेंड जा रहा है ये जा रहा है आपकी बेस के साइड चेन कंप्रेशन के लिए, तो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ। और उसके साथ जो दूसरी किक है ये, इसके अंदर मैंने कुछ ऐड नहीं करा है। अब देखते हैं स्नेर में, जो नॉर्मल स्नेर है उसमें क्या करा है। तो स्नेर के अंदर लोस काटे हैं, मिड्स थोड़े से बूस्ट करे हैं और हाईज बूस्ट करे हैं। उसके साथ CLA ड्रम्स लोस बढ़ाए हैं, ट्रबल ऐड करा है और साथ में रिवर्ब ऐड करा है। उसके अलावा मल्टीबैंड कंप्रेशन लोस को कंट्रोल करा है, प्लस ये जो हाईस कंट्रोल कर रहा है ये एक्चुअल में एक्सपेंड भी कर रहा है, थोड़ा सा उसको ग्रूव दे रहा है। अब ध्यान से सुनिए कि मैं क्या कह रहा हूँ।
देख रहे हैं पंपे इफेक्ट बन रहा है कि वो जब उसके हाइस थोड़े से लेट ऐड हो रहे हैं, तो ये करा है। उसके अलावा ये स्नेयर के गोस्ट नोट्स हैं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा है। जो दूसरा स्नेयर है हमारा, बेसिकली पहले ही स्नेयर है, उसको मैंने डुप्लीकेट करके अलग से प्रोसेस करा है, तो उसके लिए मैंने EQ में थोड़ा सा चेंज है। ये पुराना वाला EQ है और ये बाद वाला EQ है। तो हाई मिड्स भी बूस्ट करे हैं, हाईज भी बूस्ट करा है, लो मिड्स काटे हैं और लो काटा है। उसके साथ CLA ड्रम्स, लोज ऐड करे हैं, बाइट ऐड करिया और हॉल ऐड करा है देखो। उसके साथ मल्टी बैंड सेम है। उसके अलावा एक और CLA ड्रम्स, इसमें मैंने कंप्रेस भी करा है, लोज और ऐड करे हैं, बाइट भी ऐड करी है, प्लस हॉल रिवर्ब दोबारा से थोड़ा सा और ऐड करा है, लेकिन मुझे और कम लग रहा था इसलिए मैंने लॉन्ग रिवर्ब भी ऐड करा है। टॉम्स, तो टॉम्स बेसिकली फिल का काम कर रहे हैं और ये गाने के ऐसे सुनाई देता है। तो लोस मुझे चाहिए नहीं, तो मैंने लोस काटे हैं इसके, प्लस ये फिल्स का काम कर रहा है तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा वाइड कर सकते हैं हम, तो उसके लिए डबलर, तो उसकी सेटिंग ये थी। तो देखिए अब ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल डबलर नहीं मारा है, EQ करा है डबलर में, प्लस मेन सिग्नल को थोड़ा सा लेफ्ट पैन किया है और जो डुप्लीकेट सिग्नल है उसको राइट पैन करा है, और उस सिग्नल के EQ करने की वजह से वो ऐसा लग रहा है कि आप दो अलग अलग हिट लाइट राइट और लेफ्ट साइमल्टेनियसली चल रही है और थोड़ा सा डिले भी है, तो वो वाइड कर रहे हैं इस चीज़ को। अब देखते हैं हाई हैट्स, तो हाई हैट्स में एयर ऐड करिए 10K पे 5 dB और हाई पास फिल्टर। राइड्स में नहीं करा कुछ, सेकंड राइड्स तो इसमें भी मैंने 10K पे 4 dB बूस्ट, एयर बैंड मैगी क्यू और उसके साथ लो एंड काटा है। बाकी रही शेकर्स की बात, तो शेकर्स में भी मैंने हाई एंड बूस्ट करा है, उसके अलावा ये टैम्बोरिन टाइप, इसके अंदर भी हाई एंड, और शेकर का भी मैंने लो काटा था, और ये ग्रूव है टैम्बोरिन और उसका शेकर्स का, और तो इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा है। और फिर पूरे ड्रम्स में एक उसको रूम रिवर्ब दिया है, प्लस EQ में दो छोटे छोटे कट लगाए हैं। वो क्यों लगाए हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत पोकिंग थी। उसके बाद मैं दिखा देता हूँ बेस में, तो बेस में मैक्स बेस हारमोनिक्स क्रिएट कराए हैं 256 फ्रिक्वेंसी पे, तो वो ये सिग्नल ऐड कर रहे हैं, एक्चुअल बेस ऐसा था, ये सिग्नल ऐड कर रहे हैं और जो उनका मिक्सचर है वो ऐसा साउंड कर रहा है, ताकि वो
छोटे स्पीकर्स में भी, जो छोटे स्पीकर्स होते हैं फ़ोन के या लैपटॉप के, उसमें भी बेस आपको साउंड करे। ये बेसिकली एक ट्रिक है दिमाग को ट्रिक करने की, कि वो थोड़ा सा ऊपर साउंड करता तो उन दिमाग को ऐसा लगता है कि बेस भी है गाने में। उसके अलावा इसके डायनेमिक्स कंट्रोल करने के लिए CLA-2A और एक और CLA-2A। उसके बाद ये जो कंप्रेसर है, ये बेसिकली आपका साइड चेन कंप्रेशन है किक के साथ। मैं दिखाता हूं, तो देख सकते हैं वो डक कर रहा है किक के सिग्नल को, ताकि क्लैरिटी बनी रहे। और फिर ड्रम एंड बेस में मैंने कंप्रेशन, ये हल्का सा ग्लू कर रहा है, बहुत लाइट कंप्रेशन है, 2:1 रेशियो, स्लो अटैक्स स्लो रिलीज। उसके बाद एक और कंप्रेशन, वो थोड़े से और पीक्स पकड़ रहा है, ये भी सॉफ्ट है और ये थोड़ा सा और स्लो है। बेसिकली ग्लू करने का काम कर रहे हैं दोनों कंप्रेसर, बेस और पूरे ड्रम किट को। और EQ में मैंने कुछ नहीं करा है। और उसके साथ एक और बेस मिली थी, बट उसको मैंने यूज़ नहीं कराया क्योंकि उतने लो एंड की ज़रूरत नहीं थी इस गाने में। बहुत ज़्यादा साउंड को ऑल्टर नहीं कराया और इसका ध्यान रखा है कि उसका ग्रूव बना रहे, उसके डायनेमिक्स बढ़ जाएँ, मज़ा आने लगे बेसिकली गाने में। तो इस प्रोसेस से हमें पता चला कि जो आपका मिक्सिंग का पार्ट है, ये टेक्निकल काम नहीं होता है, ये क्रिएटिव काम होता है। और आपको आपका गाना जो आपके पास, चाहे आपका वो गाना हो चाहे आपको किसी और का गाना मिक्स करना है, उसकी वैल्यू कैसे उसमें और ऐड की जाए और उसको कैसे और इंजॉयबल बनाया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कमेंट में लिख के बताइए कि आप और कैसी वीडियो देखना चाहते हैं। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई और म्यूजिक से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टा पे DM कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के साथ आते रहेंगे, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you.